नमस्कार, दोपहर के 2 बज गए और ये वक्त है मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का। और आज हम एक और विधानसभा की बात करने जा रहे हैं, एक और विधानसभा की नब्ज टटोलने जा रहे हैं, एक और विधानसभा का डिजिटली निरीक्षण करने जा रहे हैं। ये विधानसभा दरअसल अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बड़ी विचित्र विधानसभा है, अपने आप में दिलचस्प विधानसभा है। इस विधानसभा की जो कहानी शुरू होती है वो होती है 24वीं ईस्वी से, जब मुगल के जो शासक थे शाहजहां, उनके बेटे थे मुराद बख्श, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन 24 ईस्वी में संभल के गवर्नर थे रुस्तम खान साहब, उन्होंने इसको बनाया था, इसको शक्ल दी थी। लेकिन इसकी जो पूर्ण रूप से स्थापना की थी वो शाहजहां के जो पुत्र थे मुगल जो थे मुराद बख्श ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पर 17 बार लगभग विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 17 बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी को हर दफा मौका मिलता रहा हो, यहाँ बदल बदल कर हर किसी का विधायक देखने को मिला है, चाहे वो जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, हर किसी को मौका मिला, हर किसी को यहाँ की विधानसभा के जो लोग हैं सब ने मौका दिया। लेकिन आज जब हम मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिटिंग विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और उनका नाम है रचित कुमार गुप्ता। रचित कुमार गुप्ता साहब को एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो 2017 में चुनाव लड़ा था रचित कुमार गुप्ता साहब ने और जीत हासिल की थी, हालांकि अंतर काफ़ी कम था। लेकिन अब 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है और रचित कुमार गुप्ता एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वहीं 2012 की अगर मैं बात करूं तो 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी ने सीट को निकाला था, सीट को जीता था। और इस बार जो फाइट है वो सीधे तौर पर त्रिकोणीय फाइट है रचित कुमार गुप्ता जो कि बीजेपी से सिटिंग एमएलए हैं उनसे, और यूसुफ अंसारी साहब जो समाजवादी पार्टी से हैं उनके बीच, और रिजवान कुरैशी साहब जो हैं वो भी कांग्रेस से हैं, इनके बीच भी फाइट है। तो ये सब लोग फाइटिंग मैदान में हैं। बाकी आखिर मुरादाबाद नगर विधानसभा दिखती कैसी है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुरादाबाद विधानसभा दिखती कैसी है। देखिए, जब भी हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले खस्ता हाल सड़कें सबसे पहले हमें नज़र आ जाती हैं। तो ये सड़कें देखिए, सड़कों पर किस तरीके की वाटर सप्लाई हो रही है ये भी देखिए। वाटर सप्लाई घर तक पहुंची, शुद्ध पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले गंदा पानी आज भी सड़कों पर उसी हालत में तैरता हुआ दिख रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। कीचड़ है, सड़कें हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो पानी से लबालब भरी ये सड़कें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कुछ ऐसा मुरादाबाद की, ऐसा नहीं है कि पूरा मुरादाबाद ऐसा ही है, लेकिन हाँ जहाँ खामियाँ हैं, जहाँ कमियाँ हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है, तो ऐसा कुछ दिखता है। तो सीधे तौर पर आज हम जमीनी हकीकत को जानने के लिए रैंडम हमने ऐसे ही अपने 2 दर्शकों को आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, कार्यक्रम में बुलाया है। हमारे साथ 2 दर्शक हमारे जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर, दोनों ही लोग। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आवाज मिल पा रही है। मैं मयंक हंसराज, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। और जो दूसरे हमारे साथी जुड़े हैं आप भी अपना परिचय करवा दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम लालू परवेश, नवाज से समाजवादी पार्टी के लोहिया वाली के जलाते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम जो हमारे पहले साथी उनके पास आएंगे, सबसे पहले तो थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, क्योंकि चेहरा जो है वो काफी क्लोजअप हो रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, मुरादाबाद जो विधानसभा है उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि मुरादाबाद विधानसभा की जब हम थोड़ा सा गणित देखते हैं, गुणा गणित जो देख रहे हैं, तो 55% मुसलमान हैं और 45% हिंदू हैं। वैश्य वोटर जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं अगर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, लेकिन मुस्लिम जो है 55% है और 45% हिंदू हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी 2017 में ही सीट को कैसे निकाल गई और 2022 में सीट को निकाल सकती है? जी आप ही से सवाल है मेरा, मुझसे सवाल कर रहे हैं? मुझसे, मयंक हंसराज मुझसे। हाँ हाँ, मयंक जी आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। जी मैं सुन नहीं पाया था, दोबारा आपका प्रश्न चाहूंगा, आप बताइए। हाँ ठीक है, मेरा सवाल ये है आपसे कि यहाँ पर 55% जो है वो मुसलमान है, 45% जो है हिंदू हैं। ऊपरी ऊपरी अगर हम देखते हैं आंकड़ों की बात करें तो वैश्य वोटर यहाँ पर हालांकि सबसे ज्यादा है जाति के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या बीजेपी 2022 में एक बार फिर इस सीट को निकाल पाएगी?
देखिए, जहां तक दलगत अगर आप प्रश्न कर रहे हैं कि बीजेपी को ये सीट जाएगी नहीं जाएगी, तो मुरादाबाद की जनता तय करेगी। परसेंटेज रेशियो का कोई इतना विषय नहीं है, विषय है कि पिछले 5 सालों में सरकार रहते हुए और डबल इंजन की सरकार रहते हुए वर्तमान विधायक ने वहां किस प्रारूप में काम किया है, क्या वास्तव में सरकार की योजनाएं जनमानस तक पहुंच पाई है, और जो स्मार्ट सिटी का जो सपना था वो साकार हो पाया है कि नहीं। अगर बीजेपी की आप बात कर रहे हैं तो उसे 2014 से हमें काउंट करना पड़ेगा। तो अभी ये कहना, क्योंकि जो 2017 का मुरादाबाद, 2017 का मुरादाबाद और 2022 का मुरादाबाद ना हो, या शीर्ष नेतृत्व के लिए हो या ना हो, लेकिन अभी प्रत्याशी के संबंध में ये कहना, स्पष्ट कहना मैं समझूंगा कि मुरादाबाद की आवाज के साथ में उचित नहीं होगा कि वो सीधे एक तरफा वोट कर देंगे। कोई भी रेशियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आज के समय में सही प्रतिनिधि चाहती है और सही सरकार भी बनाना चाहती है। नेताजी मुझे इतना बताइए कि 2017 वाला मुरादाबाद नगर जो है वो 2022 वाले मुरादाबाद से अलग दिख रहा है, कुछ कुछ काम हुआ है? देखिए, अगर आप ऐसी बात जो बदले हुए की आप बात कर रहे हैं, अभी इन 5 सालों में एक बहुत बड़े पैंडेमिक के साथ पूरी दुनिया गुजरी है और उसमें मुरादाबाद भी गुजरा है, तो मुरादाबाद का स्वास्थ्य ढांचा उतना मजबूत नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये बताइए, आपका संगठन जो है, 5 साल में आपका संगठन जो है, कोई बयार आपका 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 संगठन जो है वो किसको समर्थन देता है, किस पार्टी को समर्थन देता है? क्या ये आवश्यक है कि हमें किसी पार्टी का पिछलग्गू बनना पड़ेगा? तो आप किसका, किसकी रहनुमाई करते हैं, किसका नेतृत्व करते हैं? हम रहनुमाई शोषितों वंचितों की और देश के मूल निवासियों की रहनुमाई, शोषितों वंचितों मूल निवासियों की रहनुमाई तो हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रही है, कोई ऐसी पार्टी है जो ना कर रही? अच्छा, बहुत सारे केवल दार्शनिक तौर पर करते हैं कि जाकर के खाना खाते हैं और केवल अपना 5 साल में एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। ठीक है, तो दलित जो है वो जूठन खाता है, आप जूठन खाएंगे? जो गरीब निर्धन दलित है वो जूठन खाता है? जी जी, मतलब आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं खाऊंगा? आपने आपने एकदम से कहा ना कि वो लोग तो सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ वो ड्रामा करते हैं। अच्छा, तो आप अगर नहीं करते हैं, अच्छा, तो जो निर्धन दलित है, जो सच में दलित जो खाता है, जूठन खानी पड़ती है उसको कभी कभी, तो वो आप खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो अगर जो जूठन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो कम से कम दलित के 5 साल में खाना खाने जा रहे हैं तो एक बार गटर में भी तो उतर के देखें उसके साथ में। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि आपने सीधे तौर पर कहा कि हमारे संगठन को किसी के साथ भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। एक सफाई कर्मचारी डेली मरता है गटर के अंदर, उसके भी तो जीवन को जीने का काम करे, क्या केवल खाने तक सीमित है सारी बात? अगर उनकी आप बात करेंगे तो उनके शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात करेंगे। ठीक है, विल्सन बेसवाड़ा है, वो बहुत काम करते हैं उनके लिए। जी हाँ, आप कभी मिले? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही नाम लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चैनल तो उनका नाम भी नहीं लेते। हाँ, बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। हाँ, ठीक है, चलिए दूसरे साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी नेताजी हैं या आम हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा आप नेताजी हैं कि आम जनता हैं? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, मतलब नेताजी हैं। आप किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। ठीक है, तो बताइए समाजवादी पार्टी का इस बार क्या लग रहा है, इकबाल बुलंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर अचित कुमार गुप्ता साहब एक बार फिर समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है? वैसे मैं आपको बता दूं, एंकर महोदय, उनका नाम जो है वो रचित नहीं है, रितेश कुमार गुप्ता नाम है जो प्रत्याशी है। वो रचित, तो एक्चुअली देखिए पूरे 5 साल बीजेपी ने, नहीं, रचित गुप्ता बताएगा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूं, रचित गुप्ता नाम है सिटिंग एमएलए का? जी नहीं नहीं नहीं, रितेश गुप्ता नाम है, रितेश गुप्ता नाम है। ठीक है ठीक है, उनकी बिरादरी के जो उनके समाज के लोग हैं वो उनके खिलाफ हैं, उन्हें 5 साल कुछ नहीं करा मुरादाबाद के अंदर, सिर्फ धर्म की राजनीति करी उन लोगों ने। लॉकडाउन में आम जनता भूखी मरी है, वो लोग बाहर नहीं आए, उन्हें सिर्फ यही करा है, जनता को भूखा मारा है सिर्फ। काम उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद के अंदर किसी ने कहा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी की टीम ने किया है। ठीक है, नहीं आप बुराई करिए, बुराई करिए, क्योंकि आप अच्छाई तो करेंगे। एक सेकंड, अरे मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा, अगर विपक्ष का कोई कार्यकर्ता या नेता बोल रहा है तो आवाज ये हिचकोले क्यों ले रही है, उसकी आवाज को थोड़ा और सुंदर करिए ताकि सब तक पहुंचे। बोलिए। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, दो पुल अजीत अंसारी साहब ने, एक हमारा ये
लोकल फेड का पुल बनवाया था, माइनक वाला बनवाया था, जनता के बीच में रहते। जब आपने मुरादाबाद को सुनिए, जब आपने मुरादाबाद को 2017 से पहले मुरादाबाद को मॉस्को बना ही दिया था, तो जनता ने आपको फिर क्यों मतलब नापसंद क्यों कर दिया? यहाँ के तो मुरादाबाद के मेयर भी हैं, वो तो नेताजी आप एक सांस में आप ऐसे रट रहे हैं स्पीच, मुझे समझ में नहीं आ रही है, हल्का हल्का बोलिए थोड़ा। मुरादाबाद के अंदर आप सड़क देखेंगे, गड्ढे देखेंगे, रिक्शा वाला तो गरीब आदमी साइकिल लेके जा रहा है, मजदूर आदमी आ रहा है, क्या है आपकी आपकी, आपकी आपकी जब सरकार थी तब गड्ढे नहीं थे, आप ये कह रहे हैं आपकी जब सरकार थी तब गड्ढे नहीं थे मुरादाबाद? बिल्कुल गड्ढे हैं, सड़कें खराब है, हमारी सरकार में कोई गड्ढा नहीं था। ठीक है, तो आपकी सरकार में अरे जनता सुनेगी तो ये समझेगी ना, आपकी सरकार में इतनी कमजोर सड़कें बनाई गई कि वो गड्ढा उनमें हो गया इतनी जल्दी? इन्होंने तो सिर्फ बीजेपी वालों ने लूट मार करी है, लूट मार के अलावा कुछ नहीं करा बीजेपी वालों ने। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आपने कहा नेताजी आधे घंटे में क्या कार्यकर्ता से नेता बन जाइएगा? रुकिए थोड़ा सुन लीजिए धैर्य पूर्वक, मुझे ये बताइए आपने कहा कि 2017 से पहले कोई भी गड्ढा नहीं था, 2017 के बाद ये मुरादाबाद की सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपकी सरकार में इतनी कमजोर सड़कें बनाई गई कि वो इतनी जल्दी गड्ढा युक्त हो गई? ये तो बीजेपी की सरकार में, अरे बीजेपी की सरकार में विधायक जी थोड़ी ना फावड़ा लेके वहां गड्ढा करने गए थे। मुझे ये बताइए कि आपने इतनी कमजोर सड़कें बनाई कि उसमें गड्ढे हो गए? नहीं, यहां का मेयर का काम है ये, यहां का मेयर देखेगा ना, एक आपने सड़कें बनवाई थी, आपने अपने कार्यकाल में मुरादाबाद में सड़कें बनवाई थी आपने? काम क्या है, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, समाजवादी पार्टी ने काम किया वो छोड़िए। अब छोटी सी एक विधानसभा की बात करें, विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे, ये बताइए मुरादाबाद में, मुरादाबाद के अंदर जो इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने सड़कें बनवाई थी मुरादाबाद के अंदर? समाजवादी पार्टी जो पहले विधायक थे, ठीक है, सड़कें बनवाई थी जो आज गड्ढा युक्त हैं, वो सड़कें आपने बनवाई थी? अब सरकार बनने जाएगी तो हम आप देखना समाजवादी पार्टी कैसे पहले का विकास, सबसे आसान है, अरे सबसे आसान है महोदय, सबसे आसान है भविष्य पर चुनाव लड़ना, सबसे आसान है इतिहास पर चुनाव लड़ना, सबसे आसान है वर्तमान पर चुनाव लड़िए। ये बताइए ये जो सड़कें हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुरादाबाद की जो सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त हैं, आप बार बार बोल रहे हैं गड्ढे हैं, इन सड़कों में से किसी भी सड़क को आपने बनवाया था? हमने काम किया है, हमारा काम हुआ है, तो आपने इतना कमजोर काम क्यों किया कि वो गड्ढा युक्त हो गई सड़कें? इनके तो गड्ढे मुरादाबाद की बात नहीं है, कितनी खराब है इन लोगों ने। अरे कार्यकर्ता साहब प्रदेश स्तर पर मत जाइए, अगर आप मेहनत करेंगे तो टिकट कहां से मांगेंगे? मुरादाबाद से ही तो टिकट मांगेंगे ना, तो मुरादाबाद की बात कर लेते हैं, यहां की जो सड़कें हैं मुरादाबाद के अंदर हमारे विधायक बड़ा कंफ्यूज है आप। बोलिए आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे बहुत सुंदर साफ स्वच्छ आवाज आ रही है आपकी। आप ये बताइए मुझे कि मुरादाबाद के अंदर जो सड़कें हैं उसमें से सड़कें बनाने का काम आपने किया था, आप कह रहे हाँ, लेकिन आज उनमें गड्ढे हो गए, तो मतलब आपकी इच्छा शक्ति सही नहीं थी ना, आपने कमजोर काम किया तभी उनमें इतनी जल्दी गड्ढे हो गए। ये इतने बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, आप ही का हाईवे है लखनऊ जो एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें तो कभी गड्ढा नजर नहीं आता क्योंकि वहां पर मोटा पैसा, टेंडर, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू बनवाया जाता है। आप जो बना रहे हैं वो इतना कमजोर आपने काम किया कि उस पर गड्ढा हो गया, तो गलती आपकी भी है, स्वीकार करिए, बहुत अच्छी बात होगी, ये आपकी ईमानदारी को दर्शाएगा। जैसे अभी जो आपके साथी बैठे हैं इन्होंने कहा कि ड्रामा करते हैं नेताजी दलितों के साथ खाना खाकर, मैंने कहा जो दलित सच में खाना खाते हैं वो खाएंगे, इन्होंने स्वीकार किया कि मैं खाऊंगा भाई अगर मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, तो आप भी स्वीकार करिए कि हमारी सरकार के दौरान जो सड़कें बनाई गई, जो गड्ढा युक्त हो गई उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, बालू ज्यादा लगा दिया आपने, गड्ढा हो गया।
या ये मत कहिएगा कि बालू भी हमने नितेश गुप्ता के यहाँ से खरीदी थी, खराब बालू थी, खराब ये सामान किया है। हाँ एक बार एक काम कीजिएगा, आप लोग अपना नाम एक बार और कंफर्म करा दीजिएगा, मुझे रिक्वेस्ट है आपसे। जी मैं मयंक हंसराज, हंसराज, हंसराज साहब हैं आप क्या नाम जी? है चलिए आप तो सपा नेता ही हैं, बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। चलिए हंसराज साहब, आज के परिप्रेक्ष्य अगर मैं बात करूं, आज की राजनीतिक स्थिति की बात करूं, तो 5 साल जिन मुद्दों को लेकर, आप भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि 5 साल जिन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, मसलन महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन चीजों को लेकर, लेकिन चुनाव जब सर पर खड़े हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि थोड़े दिनों के लिए टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान भी इंडिया में है इस वक्त, लखनऊ में घूम रहा है, साथ ही साथ हर कोई यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं, जिन्ना साहब भी वो अपनी कब्र से उठकर वापस लखनऊ चुनाव में आए हुए हैं। तो ये बताइए, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो पोलराइज करने के लिए मुद्दे हैं, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि वो तो अब मई जून में शिमला बना देंगे, कैराना और मुजफ्फरनगर को, अब कैराना मुजफ्फरनगर अगर शिमला बन जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए भी, नोएडा से पास पड़ेगा। तो ये बताइए मुझको, ये जब मुद्दे आते हैं तो इन मुद्दों को कितना बल देना चाहिए, क्योंकि लोग फंस रहे हैं इन मुद्दों में, लोग फंस रहे हैं, ये सच बात है। देखिएगा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, आप वास्तव में उत्तर प्रदेश की आवाज और विशेषकर विधानसभा मुरादाबाद की आवाज को आप अपने चैनल पर उठा रहे हैं, और जो भ्रमित करने वाले, पोलराइज करने वाले जो इश्यूज हैं उनको भी आप रेज कर रहे हैं और इनको इंगित कर रहे हैं ताकि हम उन पर अपना व्यू रख पाए। तो पहली बात तो यह है कि जनता भले ही थोड़ा सा सेंटिमेंट हो जाने के कारण से हो सकता है कि कुछ 1%, 2, 4 या 15% वोट इम्पैक्ट होता होगा, लेकिन वास्तव में जो युवा है, छात्र है, बेरोजगार है, या दलित है, या महिला है, या जो अभी न्यू वोटर है, वो अपने इश्यूज को कैसे ना कैसे उनका अवलोकन करता होगा, और आपके माध्यम से ही करता है, न्यूज के माध्यम से। तो जहां तक मैं समझता हूं, इनकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा नहीं है इन मुद्दों की। मैं कहूं कि 100% ये पूरे चुनाव को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वो हो सकता है जो विनेबल फैक्टर बनता है जो वोट, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना वोट है, कोर वोट है, किसी का मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, किसी का मान लीजिए हिंदुत्व वोट है, बहुत सारे इश्यू जो ऑलरेडी कोर वोट के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कुछ हद तक पोलराइज होते होंगे, और इन इश्यूज को वहां मैं मान सकता हूं कि हाँ, ये विनेबल फैक्टर के रूप में काम करते हैं। नहीं, वही वही बात, और ये कहीं ना कहीं जो लोगों के दिमाग में फिट किए जाते हैं, वो जो हमारे इनपुट्स हैं सारे इन्फॉर्मेशन के, चाहे वो न्यूज चैनल्स हैं या हमारे समाचार पत्र हैं या सामान्य चर्चा भी है या जो भी पिछले दिनों में जो गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल उनको लेकर के आदमी के दिमाग में रेखांकित होती हैं बातें। पर जहां तक विकास की बात है, देखिए न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, या आम कोई भी प्रतिनिधि या नागरिक हो, हम लोग भारत के वो लोग हैं जो दो रूप में टैक्स देते हैं। हम जो इनकम कमाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, और जो हम खर्च करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ हाँ जी, चाहे मैं रिक्शे वाला हूं, चाहे मैं दलित हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, टीवी किसी न्यूज चैनल का एंकर हूं, मैं कोई भी हूं, हम टैक्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दा ये होना चाहिए कि हम आने वाले 5 सालों में या बीते 5 सालों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और आने वाले 5 सालों में क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली, इसी पर बात होनी चाहिए। जो लोग अपनी चर्चाएं करती हैं, चाहे वो पोलराइज इश्यूज की करते हो या कोई भी करते हो, बिल्कुल, तो एक आम नागरिक को या जो भी देश को समर्पित नागरिक होता है उसको ये चर्चाएं करनी चाहिए कि यार अगले 5 साल में मुरादाबाद के अंदर हमें कम से कम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ट्रॉमा सेंटर मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमने ये माना और जाना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा मुख्य व्यवस्था है। नहीं, बिल्कुल, आज अगर पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो सड़क बिजली पानी पर हुआ करते थे, आज पोलराइज इशू पर हो रहे हैं, लेकिन आज के चुनाव का मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसमें सबसे मुख्य बिंदु होना चाहिए। बिल्कुल हंसराज जी, बहुत सही बात कही आपने, हमारे सपा नेता भी हमारे साथ है, आप सुन रहे हैं इनकी बातों को, एक एक बात मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ, मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ उनकी एक एक बात से, आप रख पा रहे हैं? आपने कहा कि आप कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपने कभी अपने नेताजी से पूछा कि आप इतने मासूम क्यों हैं कि चुनाव के दौरान विकास की बात करो, आपने जो हाईवे बनाया है उसकी बात करो, एक्सप्रेसवे की बात करो, आपने जो काम करवाए हैं उसकी बात करो, जिन्ना का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी, पाकिस्तान का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी, अब इतने मासूम तो है नहीं वो,
कि वो ये सोचते हो कि दूध में डाल देंगे नींबू या फिर जामुन डाल देंगे और दही बनाने का काम बीजेपी नहीं करेगी। वो तो करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? बीजेपी ने 5 साल में करा क्या है जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, आप चुनावी वक्त में जिन्ना और पाकिस्तान लेकर क्यों आए? आप जिन्ना और पाकिस्तान लेकर क्यों आए? आप जिन्ना और पाकिस्तान, आप क्या सोच रहे हैं? जिन्ना और पाकिस्तान के नाम की यहाँ पर दाल बनाएंगे और बीजेपी छौका नहीं मारेगी? अरे वो तो मारेगी भाई, आप क्यों छौका नहीं पड़ने देंगे? जनता ने इनको नकार दिया है। जिन्ना और पाकिस्तान की, जिन्ना और पाकिस्तान का भारत में क्या काम है बताइए? अपने नेता को आज आप रात में ट्वीट करिएगा, अगर आप ईमानदार कार्यकर्ता हैं, नेता को रात में ट्वीट करिए कि साहब ये कहां भटक रहे हैं आप, ये क्या जिन्ना पाकिस्तान कर रहे हैं आप, क्यों पूरे चुनाव को एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव हो रहा है, इस्लामाबाद कराची में थोड़ी ना चुनाव हो रहा है, चुनाव उत्तर प्रदेश में। अरे महाराज, बोलते टाइम ना आपके जो जुबा है वो भी लड़खड़ा जाएगी, ठीक है, ये बातें मत करिए। मैं बस इतना आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नेता को, आप कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आप अपने नेता को एक ट्वीट करिए कि साहब विकास पर बात करिए, हॉस्पिटल्स पर बात करिए, शिक्षा व्यवस्था पर बात करिए, बेटियों को कैसे सुरक्षा दी जाए उस पर बात कीजिए। आप ये क्या पाकिस्तान जिन्ना, और आप दोनों लोग हंसराज जी और सपा के जो हमारे ईमानदार कार्यकर्ता, आप दोनों इस बात से मेरी इत्तेफाक रख सकते हैं कि एक बात बताइए, चुनावों में पहली बात पे कह रहा हूं पाकिस्तान जिन्ना का क्या काम, और समाजवादी पार्टी ने इसे शुरू किया, अब खत्म बीजेपी करेगी, ये बात पूर्णतः सत्य है। और चुनावी दौर में इस मतलब हम इतना ज्यादा बिगड़ चुके हैं हंसराज जी, इतना ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब गांधी जी को घसीट लाए हम, गांधी जी को गालियां दे रहे हैं लोग, गांधी जी को गालियां दे रहे हैं और वो लोग गालियां दे रहे हैं। अरे रुकिए एक मिनट, आप भी उसी में एक मिनट रुकिए, गांधी जी को वो लोग गालियां दे रहे हैं जो सही से खड़े नहीं हो पा रहे। 1931 में जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो पूरा कैबिनेट जो था गांधी जी को लेने आया था एयरपोर्ट पर। अब ये बताइए मुझे कि अगर यही व्यक्ति जो गाली दे रहा है गांधी जी को, ये इंग्लैंड चला जाए तो इंग्लैंड में जो उनका टॉमी भी है वो भी इनको ना पहचान पाए, ये लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं, बताइए। ये मतलब चुनावी हाल हो गया है कि हम लोग गांधी जी को लेकर आ रहे हैं चुनावों में, उस व्यक्ति को जिसने यहां पर स्वतंत्रता दिलाने में उसका सबसे बड़ा योगदान है, भाई कैसे भूल जाए? ये लोग गाली दे रहे हैं गांधी जी को केवल और केवल चुनावी रसमलाई खाने के लिए, केवल और केवल। भाई मैं सच बता रहा हूं, इस्लामाबाद कराची में बैठा यूसुफ खान इतनी बार नाम नहीं लेता होगा जिन्ना और पाकिस्तान का जितनी बार आपके नेता ले लेते हैं लखनऊ में बैठकर। और 10 मार्च तक यहां रहेगा आप जिन्ना और पाकिस्तान, 10 मार्च तक, कहीं नहीं जाने वाला 10 मार्च से पहले। अरे जिन्ना बेचारे कब्र में अपनी समा चुके, पाकिस्तान का निर्माण कर चुके, उनको कब्र से खोद के ले आए इस्लामाबाद से इधर भारत में और लखनऊ में बैठा दिया 10 मार्च तक के लिए। और सब आप अगर इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपके इतना सुंदर चेहरा है आपका, आप उसी सुंदर चेहरे के साथ, उन्हीं सुंदरता शब्द के साथ आप लिखिए, आज अपने नेता को लिखिए, यह अच्छी बात होती है, अपने नेता को आप लिखिए, तभी तो आप बड़े नेता बनेंगे आगे चलकर, तभी तो आप जेपी साहब या लोहिया साहब बनेंगे आगे चलकर। आप नेता को लिखिए सीधे कि आप क्यों ला रहे हैं इसमें पाकिस्तान, क्यों ला रहे हैं जिन्ना? हाँ, अरे लोहिया साहब हमारे थे क्या, आपके हमारे थे? अखिलेश यादव जी परसों ही फोटो डाले हैं, एक बस में बैठे हैं, चारों तरफ सफेद मखमल, पूरा इतना आलिशान 5-स्टार बस लग रही है। अरे लोहिया साहब तो दिल्ली की सड़कों पर खटारा बसों में घूमते थे, समझे? आप लोहिया से कहाँ अपनी आज तुलना कर रहे हैं? तो बीजेपी वालों को बस भी हमारी अच्छी नहीं लग रही, यात्रा कर रहे हैं जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच। मैं आपसे कह रहा हूँ इधर उधर बातों को मत घुमाइए, इधर उधर बातों को मत घुमाइए। आपने लोहिया से तुलना की अपने नेता की, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके नेता तो 5-स्टार बसों में घूम रहे हैं। मैं उन नेताओं की अगर लोहिया से तुलना कर रहे हैं, खटारा बसों में घूमते थे, छोड़िए साहब लोहिया जी के, हमारा एक ही नारा था। हाँ, अरे आपका कोई नारा नहीं है, छोड़िए कोई नारा है, क्या नारा है, क्या नारा है आपका? लड़कों को ये साथ पसंद है, ये नारा है आपका? लड़कों को 2017 में ये साथ पसंद है, ये नारा था? आज नारा डस्टबिन में पड़ा है, है? नारा है आपका? बताइए आप। अरे छोड़िए साहब, पहले करो या मरो का नारा दिया जाता था, 1 लाख पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता था मरने के लिए, क्या हम कुछ कर दिखाएंगे? बीजेपी के जब आप प्रवक्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, तब आपसे सवाल कर लूंगा, ठीक है ना?
अभी आपसे नहीं करूंगा बीजेपी, आपसे समाजवादी पार्टी वाले सवाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि राजनीति में अब ईमानदारी की आवश्यकता है, बहुत हो गया ये कब्रिस्तान, शमशान, जिन्ना, पाकिस्तान, बहुत हो गया। और भगवान के लिए आपसे, भगवान के लिए प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोगों से आज आप मिले, यह आम दर्शक था, आप मिल गए, टकरा गए, इसलिए कह रहा हूं ये गांधी जी को मत लेकर आइए, गांधी जी को लेकर आ रहे, गांधी जी को घरे आ रहे, और वो आदमी घरे आ रहा है जो सही से खड़ा नहीं हो सकता, जिसको मोहल्ले के चार लोग नहीं जानते। हम दलितों को कितना सम्मान दे रहे, और सच है, सच है कि मैं पत्रकार हूं, सच है कि पत्रकार हूं, इसलिए इतनी मर्यादा के साथ बोल रहा हूं। अगर गांधी जी को गाली दे रहे हैं जो लोग, उनको मैं चैलेंज देता हूं खुला, दीजिए रघुराज प्रताप सिंह को गाली देकर दिखाइए, ब्रजेश सिंह को गाली देकर दिखाइए, मुख्तार साहब को गाली देकर दिखाइए, मुख्तार को दीजिए, आप दाऊद इब्राहिम को गाली दीजिए, आप दीजिए दाऊद इब्राहिम को, छत पर खड़े होकर लाउडस्पीकर से दाऊद इब्राहिम को गाली दीजिए। परसों घर का पता बदल जाएगा, परसों जो घर था ना दो मंजिला, उसकी जगह पर चार लौंडे टेनिस खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। अब पूछेंगे ना कि जो गाली दे रहे थे वो तिवारी साहब कहां गए, तो कहेंगे तिवारी साहब कौन यहां रहते हैं, यहां तो कोई तिवारी साहब नहीं रहते, ये हाल हो जाएंगे, बता रहा हूं आपको। और गांधी जी तो अगर स्वयं भी जिंदा होते और तब भी आप गाली दे रहे होते, तब भी वो कुछ नहीं कहते आपसे। ये राजनीति की स्थिति पर बात कर रहा हूं, राजनीति की स्थिति जो आजकल हो गई है। हंसराज जी बताइए, मैंने अगर कुछ भी गलत बोला हो तो। हंसराज जी बताइए, मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कार्यक्रम में शामिल हुए आप तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, मेरा गांव मेरा देश है के एक और कार्यक्रम में।